प्यारे बच्चों, आज हम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर आधारित एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में खासियत यह है कि ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो आपको सूझता नहीं कि कंस्ट्रक्शन करें कहाँ से। तो पहले तो ये देख लीजिए दिया क्या क्या है। बीईडी और बीडीई दोनों बराबर दिए हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर दोनों। तो अगर एंगल बराबर है तो अपोजिट साइड भी बराबर होंगी। और दूसरी चीज़ दिया है कि बीई और सीई का रेशियो 2:1 है, ठीक है। अब जब प्रूफ इस टाइप का होना तो साइड्स का इनटू या पार्ट्स ऑफ साइड्स का इनटू, तो तुरंत समझ जाया करिए कि ये साइड्स उधर जाएंगी, ये इधर आएगी और इस टाइप का सिचुएशन बनेगी। और जब भी इस टाइप की सिचुएशन बनती है हम समझ जाते हैं कि बीपीटी का यूज़ हुआ है। तो आइए देखते हैं कि बीपीटी का यूज़ कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि बीपीटी के लिए हमें पैरेलल लाइन चाहिए, तो सबसे पहले हमने सीजी पैरेलल ड्रॉ कर लिया डीई के। अब देखिए हमारे पास कई आइडियाज़ आने लगे। मुझे एक बीजीसी इस ट्रायंगल में भी मुझे पैरेलल दो पैरेलल लाइन दिख रही हैं और इसके बेसिस पे हम बीपीटी लगाएंगे। तो देखिए बीसीजी में डीई और सीजी पैरेलल है। पैरेलल होने से क्या हुआ कि बीई अपॉन सीई और बीडी अपॉन डीजी इक्वल हो गया। और बी और बीडी इक्वल हैं, देख लीजिए पहले से मैंने दिखा रखा है कि बी और बीडी इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिक ये दोनों कट जाएंगे तो सी और डी जी इक्वल आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बना के रख लीजिए, अभी काम आएगा थोड़ी देर बाद। अब जो ट्रायंगल लेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए ए डी एफ ले रहे हैं हम। ए डी एफ में डी एफ और सी जी पैरेलल हैं। मैंने यहाँ पर डी एफ की जगह डी ई लिख दिया है, तो आप इसको डी एफ ही समझें। और इसके आगे देखिए कि किस तरीके से फिर बी पी टी लग रहा है। और बी पी टी लगेगा तो क्या आ जाएगा, ए जी अपॉन जी डी और ए सी अपॉन सी एफ। हमने दोनों साइड प्लस वन करके क्या किया, ए जी और डी जी को जोड़ दिया, तो यहाँ ए डी बन गया और यहाँ ए एफ। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता था कि हमको बिना ए एफ के मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जो मेरा प्रूफ करने का वो है स्टेटमेंट, उसमें ए एफ आना जरूरी है। तो देखिए ए एफ आ गया और सी एफ भी आ गया। अब आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, ए एफ भी है, सी एफ भी है और ए डी भी है। डी जी हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो डीजी हमें नहीं चाहिए था। तो डीजी को कैसे हटाएं, उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने, याद होगा आपको, इक्वेशन 1 में सी और डीजी इक्वल थे, तो मैंने डीजी की जगह सी लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अब हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हमको दे रखी है किसने, क्वेश्चन ने। हमें पता है कि बी और सी का रेशियो 2:1 है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने यहाँ सी की वैल्यू बी के फॉर्म में निकाल ली और जो हमारा पिछला इक्वेशन आया था ना उसमें यहाँ पे रख दी, सी की जगह ये रख दिया। 2 ऊपर चला गया, 2AD अपॉन बी और ए एफ अपॉन सी एफ, ये मैच करने लगा। और ये मैच करने लगा उस स्टेटमेंट से जो हमने कहा था कि जब मल्टीप्लाई में दिया हो, ये देखिए जब मल्टीप्लाई में दिया हो तो उसको इस तरीके से बदल के देख सकते हो। देखिए आ गया ये और वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। बहुत मज़ा आया क्वेश्चन करके, हुर्रे।